भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिस भी भोजपुरी फिल्म या गाने में अश्लीलता परोसी जाएगी उसे किसी तरह का सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये फैसला उस समय लिया गया है जब उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी के साथ हुई बैठक में यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने भोजपुरी सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव रखा। राजू श्रीवास्तव द्वारा रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक भोजपुरी सिनेमा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है, इससे हमारी संस्कृति और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। राजू श्रीवास्तव के इसी प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता के साथ लिया। सीएम योगी ने भोजपुरी सिनेमा में बढ़ती अश्लीलता पर निर्देश देते हुए कहा कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं उन्हें सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगाई जाए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे क्षेत्रों में तो योगी जी एक अपने कार्यों से चिन्ह छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन ये निर्णय ये भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता को दूर करने वाला निर्णय है। राजू श्रीवास्तव और सीएम योगी की ये मुलाकात लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर हुई। इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बताया कि 62 फिल्मों की स्क्रिप्ट का परीक्षण किया गया, जिसमें से कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर अश्लीलता और अनैतिकता को बढ़ावा देने की वजह से रोक लगाई गई। इतना ही नहीं, फिल्में उन नीतियों पर भी खरी नहीं उतरी जिन नीतियों को सरकार ने निर्धारित किया है। कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट को रिव्यू के लिए समिति के सदस्यों के पास दोबारा भेजा गया है। राजू श्रीवास्तव के मुताबिक कई अश्लील दृश्यों के बावजूद इन फिल्मों को फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाण पत्र मिल जाता है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने ये कठोर कदम उठाए हैं और अब सेंसर बोर्ड की ही तर्ज पर राज्य में एक सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नियम और कानून के तहत ही फिल्मों को अनुदान मिल सकेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी यूपी सरकार के इस कदम की दिल खोलकर सराहना की। सांसद रवि किशन ने पहले तो सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद ये दावा किया कि सरकार के इस कदम से भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता परोसने वालों पर बड़ा चाबुक चलेगा। हमारी बोली पर, माँ की बोली पर, उसको सरकार से अनुदान जो सब्सिडी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली और मैं आपको भी एक बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते हैं, जिन्होंने 5-6 साल में आके भोजपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था, हम लोगों को शर्म आती थी। आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महाराज जी की सरकार ने लिया है। भोजपुरी फिल्मों में पिछले कई सालों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये एक कारगर हथियार बनकर साबित होगा। अब अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों और यहाँ तक कि गानों को भी सरकारी सब्सिडी नहीं मिलने वाली है।